हेलो भाई, मैं पवार। अभी भाई तारीख थी वो 2 अक्टूबर की, जिस दिन हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना भूल गए थे। अभी आपको बताया कि दिस वॉज वेरी वेरी मच लव, जो हमने आप सभी को दिखाया था। हर चीज़ इसके अंदर एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करी थी, बेशक घास लगनी हो, चाहे इसकी नींव रखनी हो, चाहे एवरीथिंग। लेकिन भाई जो मैं आपसे कल या परसों वाली वीडियो में जिक्र कर रहा था कि हमसे एक चीज़ मिस हो गई यार, तो हमने इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन करा इसका और हम वो शूट करना भूल गए। क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ, उस दिन हमारे मल्टीपल फंक्शन अटक गए। मतलब सुबह हवन हो गया, फिर दोपहर को एक और हो गया, शाम को फिर थोड़ा एक और हो गया, रात को जागरण हो गया, तो उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया भाई। रियली रियली सॉरी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में देने वाला हूँ कि अपना जो ये पूरा सब कुछ है, इसका क्या हुआ था और हमने किस तरीके से ग्रैंड एक बहुत तगड़ा सा सेलिब्रेशन अपना किया था अपने लेवल के हिसाब से। तो सर प्लान बहुत पहले से यही था भाई, जब इसको बना ही रहे थे कि जब भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा A to Z तब माता का जागरण यहाँ पे करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने जैसे बताया ना मल्टीपल फंक्शंस, तो यहाँ पे मर्ज हो गए। तो सबसे पहले भाई ये लक कैसा रहा था, मतलब एक दिन पहले 2 अक्टूबर से, एक दिन पहले 1 अक्टूबर को जब हम पे डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, जरा वो देखते हैं। बुरे गुण तेरे तै फोड़, 3600 वाले रे ध्यान धर मेरे पै। रहता है ना फंक्शन से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले की जो एक्साइटमेंट रहती है वो अलग ही लेवल की रहती है भाई। सारे यार दोस्त आने होते हैं, सारे रिश्तेदार आने होते हैं, तो मतलब सारे बैठ के एंजॉय करेंगे वो वाली चीज रहती है। अरे भाई कहाँ है इनके, और से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ब्रो, अब गंदी हुई पड़ी है ये भाई। ऐसी है कुछ नहीं, नहीं कम स्पेस में ज्यादा चीजें कैसे एडजस्ट करते हैं वो अब है की एक्सपर्टीज। ये देखो वाओ, ये एक्सपर्टीज। जैसे मैं बैठा हूँ, पीछे देख कितनी जगह है, देख के देख वहाँ ना रखेंगे हमको, तो मजाक यहाँ रखना है, यही रखना है। कि ये कैसे बैठ गया, परेशान आराम से कैसे बैठा हुआ ये। चलो कंडक्टर ड्राइवर को बोलो गाड़ी ले चले। ये तो यहाँ पे पूरा मतलब 1 तारीख को लगना स्टार्ट हो गया था, पूरा सब कुछ लग चुका था। तो देख रहे हो कितनी कितनी सी, मतलब हम लोग इतने यार, हलवाई भी देखने, टेंट वाला भी देखना, रिश्तेदार भी देखना, मतलब वो चीज़ आप समझ रहे होंगे जो लोग ऐसे रूरल ऐसे रहते हैं, ऐसा ठेका नहीं देते थे किसी भी वाटिका में जाके, या ये जो बैंकेट वैंकेट रहते हैं। अरे रो रखो सारी चीज़ें ना, ऐसा फील आनी चाहिए कि हाँ भाई तुम अपने उससे कुछ कर रहे हो, तो वो एक वाली चीज़ रहती है। वरना तो दुनिया भर के खुले पड़े, किसी को जाके 51,000 रुपया दो, फिर सस्ते में नहीं पड़ जाता है। और भाई फील भी आती है कि हाँ अपनी जगह में अपना कुछ करने का वो अलग ही मज़ा रहता है। तो इसी के साथ हलवाई भाई खाना वाना बनाया, खिलाया सबको, इतने लोग इकट्ठे हो गए, सबको टाइम देना पड़ता है। तो उसके बाद भाई अब मॉर्निंग में हमारे घर पे, हमारा घर यहाँ से कितनी दूर है पवार स्वाम्प से, 300 मीटर है, 300 मीटर भी पूरा ही नहीं होगा, मतलब ये रहा थोड़ी सी आ गई है ये मेन रोड पे, वो थोड़ा सा अंदर जाके है। तो वहाँ पे फिर सुबह हमने हवन करवाया, क्योंकि हमको मतलब वहाँ पे हवन हुए बहुत टाइम हो गया था। यहाँ का तो आपने देखा ही था, बहुत पहले हो गया था, जब हम मतलब 1-1.5 महीने पहले हमने कर दिया था यहाँ का, जब ये मतलब चालू किया था। लेकिन एक प्रॉपर जो जागरण सब रिश्तेदारों को बुलाने का वो पर्पज था, तो हमने घर पे भी एक बार हवन सुबह सुबह मॉर्निंग में करवा दिया। ये हमारा अजीत भैया आ गए भाई फाइनली अपनी वाइफ के साथ, मतलब हमारी भाभी के साथ आ चुके हैं। हवन वगैरह सब कुछ हो गया, मतलब अरे हवन के टाइम पे तो सब कोई था, लेकिन चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, ऐसे रहता है ना। तो वो पूरा हेक्टिक डे था भाई सबके लिए ही। इसके बाद अब हमारे यार दोस्त स्टार्ट होते हैं आना, तो सबसे पहले मैं जो भी आए सबका थैंक यू, चाहे संस्कारी सुमित भाई हों, ज्ञान थेरेपी भाई हों, यश भाई हों चंडीगढ़ से, मतलब सारे भाई आए, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, मज़ा आ गया एकदम ना पूरे फंक्शन में। और अपना भाईचारा तो हमेशा साथ है ही, डागर साहब और आशीष शौकीन भाई, जीतू भाई, सारे रहते ही हैं मतलब फंक्शंस में। सर्व करो गाइस, घर पे तो
भाई बस नाश्ता पानी था, मतलब यार फोटोग्राफर ने, हमने तो देखो कुछ फोटो वोटो खींचे ना, ये हल्की मुल्की छोटा स्टोरी स्टोरी जो बनाई थी। मैं भी ढूंढने लग रहा पूरे कंप्यूटर में कहीं हमारे सारे दोस्तों की फोटो ही नहीं, वैसे भाई भाई की खींच रखी है। नाश्ता पानी घर पे करवाने के बाद फिर स्टार्ट होता है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ की डेकोरेशन वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। उसके बाद रात का प्रोग्राम देखेंगे तो माता का जागरण ने क्या था, यहाँ पे डिनर वगैरह था, मतलब शाम 5 बजे से। चांद तारे तू बैठी रहे शामी छोरा भरे जाऊंगा रे वक्त अदब अंदाज दुनिया ते तेरे सारे काले आंखा मेरे आंख तने पकड़ा जो हाथ बस बस मैं ना रहा देख करे जो इशारे बस बस मैं ना रहा देख। अब भाई डिनर वाले तो डिनर करते रह गए, आपको पता है जिसका फंक्शन होता है ना वो खाना खा ही नहीं पाता, वो बिजी इतना इस सब में रह जाता है। तो हमारे यहाँ आकाश जी का आप डांस एंजॉय करो, डीजे वीजे भी मंगा रखा था, मतलब जागरण तो 9 बजे से स्टार्ट होना था। तो अभी हम देखेंगे जो बाहर डीजे बज रहा था, मीनवाइल जैसे सारे लोग अपना अंदर खाना खा रहे हैं, बाहर क्या चल रहा था डीजे के ऊपर। 6 जने सारे भाइयों के ड्रेस कोड था कि पिंक कलर का कुर्ता पहनेंगे, वो उसमें देखी हमारी सारी ग्रैंड पार्टी, मोनू भाई से लेके सारे भाई जितने भी थे कैसे नाचे थे, कैसे एंजॉय किया था डीजे पे 2-3 घंटे बहुत नॉनस्टॉप, वो देखिए। तेरा कंगना भी प्यारा, तेरा संगना भी प्यारा, मेरे रंग में यो तेरा रंगना भी प्यारा, तेरी सूरत भी प्यारी, तेरी सीरत भी प्यारी, मन पीर ते दुआ में तेरा मांगना भी प्यारा। अब यहीं पे भाई नाश्ते बच जाते हैं हमको 9, और तो हमारे जो मामा होते हैं जो मेन सब कुछ चीजें मैनेज कर रहे होते हैं वो कहते हैं अरुण फटाफट अपनी इस डीजे को बंद करो भाई, इसको कह दे कि जा यहाँ से, जागरण की तैयारी करो, उसमें अब बैठो सारे लोग आके। लेकिन भाई तो उनको तो जोश चढ़ा हुआ था, वो कह रहे ऐसे कैसे भाई, अभी नहीं जाएगा, पहले एक लास्ट गाना बजेगा जाट्टा का छोरा, उसके बाद ही डीजे जाएगा। तो उस पर भी लो भाई दिनेश जी हमारे क्या कर रहे हैं, पूरे रोड के इधर उठा दिया उन्होंने तो। देखा भाई कितनी मौज आई ना, बस मतलब बता नहीं सकते। अब यही तो रीज़न है अब हम या तो नाच लें इन्जॉय कर लें या फिर वीडियो बना लें। तो जो थर्ड पार्टी लोग होते हैं, थर्ड पार्टी एप्स, थर्ड पार्टी मतलब जो नाचते नहीं है उनसे मेरा रेफरेंस है, उन्होंने वीडियो बना ली, हमने उनसे ले ली, हमने डाल दी, वरना हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि अपना डांस कभी तो करते हैं भाई, फिर शर्म आती देखने में। हो गया, मामा की बात मान ली कि मामा 10 मिनट बचे हुए थे, 8:49 पे मामा आए थे, तो हमने कहा चलो 9 बजे, क्योंकि जागरण वाले ने भाई ने कह दिया था जो जागरण कर रहे थे कि भाई मेरे को 9 बजे स्ट्रिक्टली एज ए शुरू करना है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लगा था अपना मंडप जो था, अभी भी ये टेंट वाला लेके नहीं गया है। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 14 अक्टूबर को, 2 तारीख का मतलब 12 दिन हो गए हैं, उसको पड़ी ही नहीं अपने टेंट की, भाई रखे रहने तो हमको क्या जोर पड़ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन जागरण, जय माता दी बोल के पूरी रात, जिसमें हम सब ने इंजॉय किया बहुत, आप भी करिए हमारे साथ, और एक बार बोलिए जय माता दी। ऐसी
आएंगे। उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ जलेबी की तरह, और ताली की सेवा करते हुए हम मेरे लाडले करे प्यारे तुम्हारे, मेरे लाडले करे प्यारे तुम्हारे। राम राम जय सीता राम, राम राम जय पूजन करेंगे। आओ एक बार जल्दी आओ भैया, आप सभी भी आओ। महामाई के चरणों में शीश झुकाएं, मस्तक पर टीका लगाएं, गले में हार पहनाएं मां को। आओ जल्दी आओ जोड़े के साथ आओ। आइए सभी बारी बारी आए, मां के चरणों में शीश झुकाएं और मिलकर इसी के साथ पूरी रात का जागरण हमारा कंप्लीट हुआ भाई। और फिर हम लोग पूरी रात के थके आ रहे थे, तो जस्ट सेम टू सेम ऐसे ही सो गए थे जैसे ये सोया पड़ा है। तो ये भाई बड़े प्यार से बनाया, तो अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हमको ये करना था, इसलिए हमने छोटा सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। ये वीडियो मेरे को देनी थी, उस दिन मिस हो गई, लेकिन मेरे को ये था, ये वीडियो मैं डालूंगा चाहे कैसे भी करके डालूं, लेकिन मेरे को डालनी है। तो सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और कैसा लगा आपको हमारा डांस वांस देख के, हमने बहुत एंजॉय करा, आप लोग बताना।
कमेंट्स में आपको कैसा लगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।